अरे गोरो रंग पे कछु बैलन ना छोरा गाले दे गोरो रंग पे तू इतना गुमान कर और गोरो रंग तो दिल में ढल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि निशाना फिट बैठा तो निशानी याद आ गई, निशाना फिट बैठा तो निशानी याद आ गई और गुजरे जमाने की कहानी याद आ गई। अरे हसीना क्या देखी अपने पहलू में गुरुदेव तुम्हें तो जवानी याद आ गई। देख रहे हो चाचा चुक्की बांध के, बारिशों की सब निशानी चूस जाती है जैसे भूड़ की मिट्टी सारा पानी चूस जाती है। अरे इन हसीनों से बच के रहना मेरे यार, ये वो दीमक है जो जवानी चूस जाती। अब देखिए ये कह रही है कि तू रिश्ता को छोड़ो रास्ता पे, तो तूरनमल क्या कह रहा है और करण भैया जवाब चाहूंगा, क्योंकि बढ़िया अखाड़े और बढ़िया लिखियों में आपकी गिनती होती है। अरे तू समझे मैं वो बंस नहीं, अरे ओ मौसी पूरन तुझे पता है मैं कितनी परेशान हूं, ये जवानी है ना मेरी डट नहीं रही है, मेरे पास आ जाओ पूरे तो सुन सही। जवानी को ध्यान रखिए और मेरी एक बात और मानिए, जब तक तू आई है लोगों की नजर बहुत है, ऐसा ना हो कि सुबह होते ही शाम हो जाए और किसी के सर पे खाम खा इल्जाम हो जाए। अरे अंधेरे में अकेली मत जाना, पता नहीं कौन कब आसाराम हो जाए। तू समझे मैं वो वंश नहीं। कुछ लोग जिन्होंने हमारा प्रोग्राम वृंदावन में देखा, और एक बड़ी मुश्किल है वो ही यहां मुश्किल है, गौड़ा में कल प्रोग्राम हुआ करण भैया और आज यूट्यूब पे आ गया। वृंदावन में प्रोग्राम हुआ, रैना में प्रोग्राम हो रहा, बोलो जो वृंदावन में सुनाई वो सुनाओ। तो हम तो इन्हें यूट्यूब बांधने तो बड़े परेशान हैं, एक रिपोर्ट इनके नाम और एक इनके नाम करनी पड़ेगी, मेहनत हम कर रहे हैं मजा के मार रहे हैं। अरे तू समझे मैं वो बंस नहीं, कहूं परवाक में पूरन मासी है। अरे तू समझे मैं वो नहीं, क्या तू समझे मैं वो बंस नहीं, कहूं परवा को ये पूरन मासी है। और भैया जी और देख कि ममता का तुझ में अंश नहीं, देख ये ममता का तुझ में अंश नहीं, तू जैसी है वैसी थी लेकिन मैं पूरन मलू इसलिए कह रहा हूं कि ममता का तुझ में अंश नहीं पर पूरन को तो पूरन मासी है। होती मूरत और मां को मिला भगवान का दर्जा, ममता की है तू मूरत मां को मिला भगवान का दर्जा। और ये लाइन मेरी पसंद आए तो इधर बालकोनी वालों से भी मैं चाहूंगा, प्यार मिलना चाहिए
अरे माँ को मिला भगवान का दर्जा, और माँ ही जब बेटा पे हो जाए आशिक, अरे माँ ही जब बेटा पे हो जाए आशिक, तो कैसे बचा फिर दूध का दर्जा। शबने कहा, अरे मैं नहीं कहता ये सबने कहा, और मेरी बात में बिल्कुल संशय नहीं, और पढ़ सकती पूरन मासी है। भले ही कोई कितना भी प्यार से खिला दे, लेकिन जो माँ खिलाती है वैसा संसार में कोई खिलाने वाला नहीं है। पढ़ सकती पूरन मासी है, क्यों? क्या माँ जब हमें छोटे बच्चे जब होते हैं तब दूध पिलाती है, और बच्चे का एक स्तन माँ के मुंह में होता है और दूसरे स्तन पे लात मारता है, फिर भी माँ सहलाती हुई उसको दूध पिलाती रहती है। और कोई संसार में नहीं है। तुम एक गाली दे के देख लेना, तुम्हें दरवाजे पर झांकने दे, और माँ लात खा के भी तुम्हें दूध पिलाती है और बड़ा कर देती है। और जब बड़े हो जाते हो, खाएगा कैसे नहीं, तमाचा मार के खिला देती है, और उसके बाद में चाहे किसी के हाथ से खाते रहो, लेकिन माँ की याद कभी जाती नहीं। अरे मेरी बात में बिल्कुल संशय नहीं, और पढ़ सकती पूरन मासी है, और मेरी बात में बिल्कुल संशय नहीं, और पढ़ सकती पूरन मासी है, और कौआ बन सकता हंस नहीं, कौआ बन सकता हंस नहीं, पर पूरन को तो पूरन मासी है। तेरा यहां रुकने का काम नहीं, पर मैं रोद रोद सबको नहीं मारूं तो बलताऊ मेरो काम नहीं।
पे देखो मिलके तुम सब ऋण पे देखो मिलके रे तुम सब ऋण पे देखो मिलके हिलनो छंद हुआ एक रसिया हंसा रसिया की शुरुआत जब होगी एक एक कहानी से आप लोग वाकिफ हो गए और सब जिस लैंड पे भी आपको आनंद आए बालकोनी वाले हो तुम भी और तुम भी कम से कम हमें एहसास होना चाहिए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। हाँ सर रसिया की काबिलियत है। अरे दूल्हा कोई बनो दूल्हा कोई बनो दुल्हन कोई ले गयो और समझ में आ रही है बात। बारात लेके दूल्हा बन के तो कोई गयो और वहां पहले ही कोई जुगाड़ कर ले वो और या की बात ना है कि वैसी कोई काम घर की बात हो बिल्कुल पुराणों की बात है। कौन कौन ले गया एक एक लाइन आपको अच्छी लगेगी लेकिन आप लोगों को अच्छी लगे तो वो मिलना चाहिए देखो इनको भी और हमको भी। हाँ सर अरे दूल्हा कोई बनो दुल्हन कोई ले गयो और अरे सब